तो दोस्तों, अगर आप टैप टैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुका है, जैसे कि पबजी हो गया या फिर फ्री फायर हो गया, तो आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ऐसा एप्लीकेशन सिर्फ टैप टैप एप्लीकेशन में इंस्टॉल होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीका में कि आप टैप टैप एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा मोबाइल स्क्रीन यहां पर कुछ दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको ए टू जेड प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते, कैसे आपको उस एप्लीकेशन को यूज करना है। तो हम लोग अपना गूगल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे फेक एप्लीकेशन भी आ चुके हैं टैप टैप के ऊपर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं ए टू जेड आपको बताता हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है टैप टैप, और उसके बाद आपको एपीके यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है, बट यहाँ पे देखिए सर्च में जो फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड आ रहा है, ये सब में आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और एपीके प्योर वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देख सकते हैं, एपीके प्योर का एक वेबसाइट है, आपको इस पे सिंपली चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको डाउनलोड एपीके पे क्लिक कर देना और यहाँ पे कुछ अलाउ, उसके बाद हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना। फिर डिटेल में जाकर देखते हो तो ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए, डाउनलोड होने के बाद आप बस थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको बताऊंगा कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे टैप टैप एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को जो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस, इंस्टॉलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पे ओपन या फिर डन का ऑप्शन आया, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन वाले क्लिक करने के बाद हमारे पास टैप टैप के एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो खुलकर आ चुका है, तो इसने थोड़ा सा अपडेट मांगा, तो हम लोग अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेटिंग पे जाकर परमिशन को भी अलाउ कर देते हैं, फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका अपडेटेड वाले वर्जन हम लोग अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारा कुछ आपको बता देगा, आपको कुछ ज्यादा करने का नहीं रहेगा, बस जो आपको बताता है आपको वहां पे क्लिक करना है। फिर से हम इसे ओपन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फिर से यहाँ पे हम लोग को लॉग इन करना होगा। तो हम लोग कंटिन्यू विथ गूगल पर जाके हम लोग को सिंपली कोई भी अपने अकाउंट से यहाँ पे टैप टैप एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेना और यहाँ पे अपना नाम वगैरह या फिर फोटो भी आप चूज कर सकते हो। तो मैं जैसे एज जो है वही रहने देता हूं और डेट ऑफ बर्थ भी मैं वही रहने देता हूं, जेंडर आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहां पे स्किप कर देना है, फिर आप यहां पे कोई भी स्ट्रीम अपना चूज कर सकते हो, कोई भी जो कि आपको पसंद है। तो मैं यहां पे प्ले स्टेशन ये सारा चीज कर देता हूं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो मैं इसे स्किप करता हूं अभी के लिए। तो यहां पे कुछ सर्चिंग कर रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। बस आपको यहां पे क्या करना, आप कोई भी गेम जैसे कि यहां पे पबजी मान लेते हैं, पबजी यहां पे हम लोग सर्च करते हैं सिंपली पबजी, जो कि इंडिया में बैन है। यहां पर सारा वर्जन पबजी का रहा है, पबजी कोरिया आ रहा है, पबजी बीएन आ रहा है, पबजी मोबाइल आ रहा है, पबजी लाइट आ रहा है, जो भी यहाँ पे बैन हो चुका है, इंडिया में नहीं चलता है, वो सारा एप्लीकेशन आपको शो कर देगा। आप इससे पबजी या फिर फ्री फायर बहुत ही ज्यादा इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।